प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण की। आप सोचेंगे चंद्र ग्रहण, अभी तो हम बात कर रहे थे सूर्य ग्रहण की। जी हाँ, सूर्य ग्रहण तो हो चुका है मगर ठीक 15 दिन बाद यानी वैशाख मास की पूर्णिमा पर लगने जा रहा है 2023 वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण। अभी तक तो पहला सूर्य ग्रहण लगा था, अब लगेगा पहला चंद्र ग्रहण और 15 दिन के अंदर अंदर ही ये दो ग्रहण लग रहे हैं। तो इस समय पर कहीं ना कहीं आप लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है मगर सोचने की तो आवश्यकता है कि जब सूर्य ग्रहण का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा तो चंद्र ग्रहण का कैसे नहीं पड़ेगा। मगर घबराने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि भारत में ये ग्रहण नज़र नहीं आएगा। हालांकि समय जो है इसका रात्रि काल का ही रहेगा, यानी जो जिस समय पर चंद्र ग्रहण लगेगा वो लगेगा रात को 8:45 से लेकर के देर रात्रि 1 बजे तक। मगर इस समय पर आप लोगों को किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो उससे पूर्व 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है क्योंकि ये ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, इसीलिए इस ग्रहण की भी सूतक काल की मान्यता नहीं होगी। यानी कि मंदिर के कपाट खुले रहेंगे, आप बाकी सभी कार्य आसानी से कर सकते हैं मगर ग्रहण तो लग ही रहा है। तो इसीलिए आप लोगों को खास तौर से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है इस समय पर क्योंकि इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। जो सूर्य ग्रहण लगा था वो मेष राशि में लगा था, सूर्य की सप्तम दृष्टि तुला पर पड़ रही थी, तुला पे प्रभाव उसका नकारात्मक था। अब जो है जो चंद्र ग्रहण लग रहा है ये तुला राशि में लग रहा है क्योंकि जब भी चंद्रमा केतु के साथ युति करते हैं तो उस समय पे ग्रहण लग जाता है। तो चंद्रमा और केतु की युति हो रही है तुला राशि में और इसी राशि में ही ग्रहण लग रहा है और साथ ही साथ सप्तम भाव में यानी अगर हम सातवीं दृष्टि से देखें तो पहले भाव में यानी मेष राशि पर इसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। तो मेष राशि के जातकों को और तुला राशि के जातकों को खास तौर से ध्यान रखने की ज़रूरत है इस चंद्र ग्रहण से संबंधित। और जिन जातकों ने स्वाति नक्षत्र में जन्म लिया है उन लोगों को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि ग्रहण जो लगेगा ये स्वाति नक्षत्र में लगेगा। तो इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखें, घबराएं नहीं। चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा जो होता है मन का कारक होता है, जल का कारक होता है। तो इसीलिए आप जो हैं इस दौरान जब ग्रहण चल रहा होगा घबराने की आवश्यकता नहीं क्योंकि भारत में नहीं लग रहा मगर प्रभाव जो है ज़रूर दिखेगा। तो इसीलिए आप केवल भगवान शिव की उपासना करें, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, भगवान शिव की उपासना करना हमेशा खास रहता है क्योंकि ये देवों के देव महादेव हैं और ये सारे चीज़ों को संभाल लेते हैं। तो इसीलिए महादेव की उपासना ज़रूर करें। ओम सहज चंद्रमसे नमः मंत्र का जप करें यानी चंद्र के मंत्रों का जप करें, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप करें, वहीं पर महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। ऐसा करने से आपको लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। स्वटिक की माला पर आप ये जप कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ विषय आपको पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राधे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।